निकाय चुनाव का मामला फिलहाल हाई कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट की तरफ से इसे लेकर रोक भी लगी हुई है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है इन सब के लिए समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है, कह रही है कि ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक षड्यंत्र है, वो नहीं चाहते कि चुनाव हो। हमारे साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं। सर, हाईकोर्ट में मामला है फिलहाल निकाय चुनाव का, और भाजपा ये कह रही है कि सपा नहीं चाहती, इस वजह से फंसा है मामला। हमारी तैयारी पूरी है, हमारी पार्टी की तैयारी, हम लोगों ने पूरा एकदम तैयारी के साथ अपने संगठन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सब एक्टिव है, और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है, तो हमारी तैयारी पूरी है, और जैसे भी माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उस न्यायालय के हिसाब से हम लोग चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। हाँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखेगी, माननीय न्यायालय के समक्ष, और मुझे विश्वास है कि जो स्टे दिया है उन्होंने, इससे जल्दी से जल्दी चुनाव कराने का रास्ता प्रशस्त होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जहाँ तक दूसरे दलों के चुनाव को प्रभावित करने वाला विषय है, उनकी कोई तैयारी नहीं है, और वो चुनाव के बीच में जनता के बीच में जाने से घबरा रहे हैं, और हो सकता है उसी कारण ये सारी परिस्थिति उत्पन्न हुई। सर, भाजपा लगातार ये बोलती है कि इस बार चाहे रामपुर का चुनाव रहा हो, चाहे खतौली में भले ही कमल ना खिलाओ लेकिन वहाँ का चुनाव हो, अल्पसंख्यक वोटर काफ़ी बड़ी संख्या में मिला आप लोग को। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि वोटर तो मिला लेकिन क्या अल्पसंख्यकों को टिकट भी दिया जाएगा निकाय चुनाव में? नहीं, प्रारंभ से ही हम लोगों ने कहा कि जो जीतने की स्थिति में होंगे, जो हमारे सांचे में फिट बैठेंगे, हम उन्हें चुनाव लड़ाते हैं। चुनावी राजनीतिक दृष्टि से एक रणनीति हमारी है, और रणनीति में जीतना भी एक महत्वपूर्ण है, तो उन लोगों ने वोट हमें दिए हैं, लंबे समय से हमारे साथ रहे हैं सब लोग समाज के। इतना बड़ा जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% से ज़्यादा वोट भाजपा को मिला, तो एक बड़ा जनादेश भाजपा के समर्थन गया, बड़ा तबका, आधे से ज़्यादा लोगों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया, और रामपुर हो चाहे अन्य भाग देश का, राज्य के अलग हिस्से हों, सब जगह सबका वोट भाजपा को मिला है, और भाजपा किसी जाति वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है, और हमने पहले भी कहा है कि हम जो भी जीत सकते हैं सब समाज के वर्गों को रूप में चुनाव लड़ाने का अवसर भाजपा देगी, चाहे अल्पसंख्यक समाज के हों, चाहे जिस समाज के भी लोग हों, और सब ने सहयोग किया। रामपुर में बड़ी संख्या में वोट, खतौली में हमें बड़ी संख्या में मतदाताओं ने वोट दिया है, तो निश्चित रूप से चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका नगर पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव हो, सब जगह समाज के सब वर्गों को साथ लेकर हम चलेंगे। खतौली और मैनपुरी के लिए क्या रणनीति में कोई बदलाव भी किया जाएगा उपचुनाव के नतीजों के बाद? निश्चित रूप से खतौली और मैनपुरी में राजनीतिक परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए हैं, भाजपा के अनुकूल, जो अपेक्षा हमारी थी कहीं ना कहीं उसके पीछे, मैनपुरी में तो माननीय मुलायम सिंह जी बड़े नेता थे, उनके पीछे एक बड़ा सिंपैथी हमदर्दी लोगों की थी, और मुझे लगता है उसमें चुनाव में एक बड़ा कारण रहा, लोग समाजवादी पार्टी की नीति से प्रभावित नहीं थे जी, इसमें समाजवादी पार्टी को जनादेश लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन मुलायम सिंह जी की निधन के बाद जो सिंपैथी है उस सिंपैथी का लाभ माने डिंपल यादव जी को मिला है। लेकिन हम लोग निचले स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जो जो कमी रह गई है, हम अपनी सरकार के जो नीचे तक बात नहीं पहुंचाए, जनता तक अपनी बात नहीं कह पाए, उसकी हम स्थानीय स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं, और समीक्षा के बाद पूरी रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, निकाय चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी के भी कार्यक्रम होंगे नगर निगम में भी, और जो बड़े महानगर नगर पालिका परिषद है वहाँ पर भी उनकी रैली, रोड शो, इस तरह के कार्यक्रम कुछ होंगे पार्टी की तरफ से? नहीं, मुख्यमंत्री जी हों या चाहे हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री हों, माननीय केशव मौर्य जी हों या माननीय बृजेश पाठक जी हों, या हमारे सरकार के सभी मंत्री हों, सभी माननीय सांसद, विधायक, संगठन के लोग, हम लोग जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, जनता के बीच में आना जाना, संपर्क करना, उनके दुख में दर्द में, और अपनी बात जनता के बीच में कहना, उन्हें बात करना, ये सब हमारे एक हिस्सा है हमारे अभियान का, और अभियान को सभी लोग सहयोग में लगेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं सब जनता के बीच में रहेंगे। आपने अभी देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी सभी नगर निकायों में उनके कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे ही हम सभी पूरे निकायों में माननीय केशव जी के, माननीय बृजेश पाठक जी के या माननीय हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के दौरे, प्रवास लगातार क्रम से हमारे बने रहते हैं, और आगे और हम चुनाव को, अभियान को तेजी के लिए इसमें आगे बढ़ेंगे। नहीं, अभी सस्ता का अभियान नहीं, अभी तो कारण क्या, अभी तो ये चुनाव है,
हमारा जो नगर निकाय का चुनाव, उस नगर निकाय के चुनाव को हम लोग अपनी बात जनता तक नीचे तक पहुंचाकर जो जो काम सरकार ने किए हैं हम उसमें हम बेहतर राजनीतिक परिणाम देने की अपेक्षा जनता से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में भूपेन चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है, अपनी तैयारी कर चुकी है, जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि जो समाजवादी पार्टी है, विपक्षी दल है, वो अपनी तैयारी नहीं कर पाए, इसलिए चाहते ही नहीं कि चुनाव हो, वो जनता के बीच में जाने से डरते हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।